हाँ मुझे पता है Redmi Note 14 Pro Plus दिसंबर के मिड में लॉन्च होने वाला है, पर ये चाइना में लॉन्च हो गया है और इसके रिव्यू वीडियोस कई लोग बना रहे हैं, जिसमें ये लोग Redmi Note 14 Pro Plus के लिए रुकने को कह रहे हैं। क्या सच में हमें Note 14 Pro Plus के लिए रुकना चाहिए या फिर कोई और फोन खरीद लेना चाहिए? चाइनीज प्राइसिंग को देखकर हम अंदाजा लगा ही सकते हैं कि Redmi Note 14 Pro Plus इंडिया में 21 से लेकर 23,000 के बीच में लॉन्च होगा, पर इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर हाल फिलहाल में लावा ने भी अपना लावा अग्नि 3 लॉन्च किया है। तो चलिए इन दोनों फोन को कंपेयर करते हैं। वैसे इस प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन अवेलेबल है, पर मैंने सोचा कि लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है उसी के साथ Note 14 Pro Plus का कंपैरिजन करना सही रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद डिस्प्ले। देखिए Redmi Note 14 Pro Plus के अंदर हमें 6.67 इंच का डिस्प्ले है और हाँ 3000 nits की पीक ब्राइटनेस यहाँ दी गई है। वही लावा अग्नि 3 के अंदर हमें 6.78 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस दी जाती है। दोनों ही फोन का डिस्प्ले 1.5K 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले है और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी दोनों फोन में सेम मिल जाती है। डिजाइन को अगर आप देखोगे तो दोनों ही फोन में ग्लास बैक दिया गया है। अब आगे और पीछे दोनों तरफ ग्लास होने की वजह से यहाँ पे कौन सा डिस्प्ले प्रोटेक्शन दिया गया है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। Redmi के अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया जाता है और लावा अग्नि 3 के अंदर ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन मिलता है। दोनों ही प्रोटेक्शन अपनी अपनी जगह एकदम बढ़िया है, पर एक प्लस पॉइंट लावा यहाँ पे जरूर से लेकर आता है। जी हाँ, अग्नि 3 के अंदर रेयर में भी हमें डिस्प्ले दिया गया है जो कि 1.74 इंच का है और ये टच स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पे जरूर से लावाबाजी मार जाता है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन में अलग अलग प्रोसेसर होने के बावजूद भी इनका एंटूटू स्कोर लगभग सेम ही है। Note 14 Pro Plus के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 3 प्रोसेसर मिलता है और लावा अग्नि 3 के अंदर हमें MediaTek Dimensity 7300X प्रोसेसर दिया गया है। अब RAM और ROM के अंदर Redmi ने थोड़ा ट्रिकी काम किया है। यहाँ पे अगर आप 12GB 256GB वाला वेरिएंट देखोगे तो इसमें LPDDR4X RAM टाइप और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है, और अगर आप 16GB 512GB वाला वेरिएंट देखोगे तो इसमें LPDDR5 RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। पर लावा ने ऐसा कुछ नहीं किया है दोस्तों, यहाँ पे LPDDR5 RAM टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप सारे वेरिएंट्स के अंदर सेम मिलता है। यहाँ पे लावा कोई भेदभाव नहीं करता है। सो Redmi से मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि Redmi Note 14 Pro Plus जब भी आप इंडिया में लॉन्च करोगे RAM और ROM टाइप बिल्कुल सेम ही दीजिएगा सारे वेरिएंट्स में, ऐसा भेदभाव बिल्कुल मत करिएगा। अब Android वर्जन 14 दोनों ही फोन में हमें सेम मिलने वाला है, पर लावा के अंदर 3 Android अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट लावा प्रोवाइड करने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि Redmi इतने लंबे अपडेट्स हमें प्रोवाइड करेगा। ये ज्यादा से ज्यादा 2 साल के Android अपडेट हमें प्रोवाइड कर सकता है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए। अब बात कर लेते हैं बैटरी की। तो Redmi ने 6200 mAh की बैटरी के साथ 90 वॉट का चार्जर सपोर्ट दिया है और लावा ने 5000 mAh की बैटरी के साथ 60 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दिया है। लॉन्ग बैटरी के हिसाब से देखें तो Redmi यहाँ पे जरूर से जीतता हुआ दिख रहा है, पर लावा भी आपको दिन भर आराम से नॉर्मल यूसेज में चल जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन दोनों फोन का कैमरा। पर सबसे पहले अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते, पता नहीं क्यों, कर दो यार, बिल्कुल फ्री है। देखो Note 14 Pro Plus के अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का मेन OIS कैमरा मिलता है। इसमें ओमनी विजन सेंसर हमें Redmi प्रोवाइड करने वाला है। यहाँ 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी Redmi की तरफ से दिया जाने वाला है, जिसमें 2.5x जूम आप कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे आपको सैमसंग सेंसर प्रोवाइड किया गया है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड कैमरा है जिसमें हमें सोनी सेंसर मिलता है। 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पे मिलता है, इसमें भी हमें ओमनी विजन सेंसर देखने को मिलता है। लगभग सारे कैमरास के अंदर कोई ना कोई सेंसर
रेडमी ने डाला है। पर लावा भी कम नहीं है दोस्तों, रेयर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। यहाँ सोनी का सेंसर लावा प्रोवाइड करता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 8 मेगापिक्सल का सेपरेट टेलीफोटो लेंस भी लावा ने अग्नि 3 के अंदर हमें प्रोवाइड किया है। और हाँ, यहाँ आप 3x जूम भी कर पाओगे। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी लावा अग्नि 3 के अंदर प्रोवाइड करता है। अब कैमरा सेटअप देखकर आपको लग रहा होगा कि Redmi के लिए हमें यहाँ रुकना चाहिए, पर यह सेम कैमरा सेटअप शायद ही Redmi इंडिया के अंदर लेकर आएगा। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक के साथ सारे छोटे मोटे सेंसर्स का सपोर्ट हमें दोनों ही फोन में देखने को मिलता है। वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4 और IP68 की रेटिंग Redmi ने हमें Note 14 Pro Plus के अंदर दी है। और हाँ, NFC का भी सपोर्ट यहाँ मिलता है। वहीं लावा के अंदर हमें Wi-Fi 6 से Bluetooth 5.4 और IP64 की रेटिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ कोई भी आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब इन सारे स्पेसिफिकेशन डिफरेंस को देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि Redmi Note 14 Pro Plus के लिए रुके या ना रुके। देखो, ये फोन अभी चाइना में लॉन्च हुआ है और जो चाइनीज वेरिएंट इंडियन यूट्यूबर्स ने रिव्यू किया है वो लोग भी ये कह रहे हैं कि शायद ही सेम स्पेसिफिकेशन के साथ Redmi Note 14 सीरीज इंडिया में लॉन्च होगी। दूसरी बात, 12GB वाला बेस वेरिएंट चाइना के अंदर मिल रहा है, पर डेफिनेटली 8GB वाले बेस वेरिएंट के साथ Redmi Note 14 सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च होगी। ये बात एकदम 100% कन्फर्म है। और हाँ, 50 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो लेंस है वो भी शायद इंडिया के अंदर Redmi डाउनग्रेड करके 8 मेगापिक्सल का कर देगा या फिर कोई टेलीफोटो लेंस ही नहीं देगा। ये बातें हैं दोस्तों जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी हाइप के चक्कर में या फिर मार्केटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है और दिसंबर तक अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको आज की डेट में एकदम अर्जेंट है फोन खरीदना, तो डेफिनेटली लावा अग्नि 3 आपके 20,000 के बजट में एक बेस्ट ऑप्शन बन के आता है। दिसंबर तक रुकना इसके लिए बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। आपको क्या लगता है? आपके जो भी ओपिनियन होंगे नीचे मुझे कमेंट में जरूर बताइए। कोई सवाल होंगे वो भी पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ यार। और हाँ, अगर आपको लावा अग्नि 3 के सारे कैमरा सैंपल्स देखने हैं तो ऊपर वाला वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, लावा अग्नि 3 की कैमरा जूम टेस्ट देखनी है तो नीचे वाला वीडियो देखिए। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।